कुंभ मेले के बाद अब योगी सरकार संगम तट पर लगाने वाले माघ मेले को भी भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां पर टेंट सिटी बसाने का काम तेजी से चल रहा है। मेले को इस बार 5 सेक्टरों में बसाया जाएगा। वहीं स्नानार्थियों की सुविधा के लिए 5 पॉन्टून पुल होंगे। इस बार 10 जनवरी 2020 से माघ मेले की शुरुआत होगी। मेला करीब 2000 बीघे में बसाया जाएगा। स्नान घाट का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 5 किलोमीटर रनिंग एरिया में स्नान घाट बनाए जाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक प्रयाग के माघ मेले में पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता भी अदृश्य रूप में यहां पर आते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन धारा में डुबकी लगाकर दान उपासना दूसरे संस्कारों के जरिए पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। संगम पर कल्पवास करने वालों को न सिर्फ अपार पुण्य हासिल होता है बल्कि उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। मेलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा, इस बार क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण व्यवस्था और ज्यादा करनी पड़ रही है। पूरा संगम क्षेत्र दुधिया रोशनी से जगमग रहेगा। पूरे परिक्षेत्र में LED लगाई जाएगी। 4 वॉच टावर के साथ ही 8 हाई मास्ट भी लगाए जाएंगे। संगम से लेकर काली मार्ग तक सेक्टर 1 में होगा। इसी सेक्टर में सरकारी विभागों के कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस लाइन और मीना बाजार व झूले होंगे। इस बार 12,000 LED लगेगी। कुल 20 उपकेंद्र होंगे। भूले भटके शिविर को हाईटेक किया जाएगा। जलापूर्ति के लिए 18 नलकूप लगाए जा रहे हैं। कुल 162 किलोमीटर पैदल की पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था हो रही है। इसके साथ ही मिश्र ने बताया कि माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 20 दिसंबर तक पूरा मेला बसा दिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अक्षयवट दर्शन के लिए रास्ते की सफाई होने के बाद तकनीकी जांच होगी। इसके बाद यदि कुछ मरम्मत आवश्यकता होगी तो कराई जाएगी।